नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ स्टेशन। तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है गुवाहाटी से। गुवाहाटी में यशवंत सिन्हा, जो कि विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, उनके हवाले से काफी बड़े बयान आए हैं। एक बयान उन्होंने दिया उद्धव ठाकरे और बीजेपी को लेकर। अब जो दूसरा बयान दिया है वो है बड़ी खबर। अगर मैं CAA और NRC के बारे में बात करूं तो पूरा भारत दहल चुका था इनके दंगों से। CAA में काफी लोग मरे, जो इनके NTCA जो प्रोटेस्ट थे उसमें काफी लोग मारे गए थे। इसी को लेकर देखिए यहाँ पे बड़ा बयान दिया गया है। यशवंत सिन्हा ने साफ साफ बोल दिया है, जो कि विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार है, वो उन्होंने बोल दिया है कि अगर मैं राष्ट्रपति बन गया तो जो CAA और NRC है वो मैं नहीं लागू होने दूंगा। जी हाँ, यहाँ पे बीजेपी पे उन्होंने हमला साधा है सीधा। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कि जो बीजेपी, जिसने बोला था हमें कि यहाँ पे जो पावर में आती है दोबारा, तो वो CAA और NRC लाएगी, तो लेकिन अभी तक वो लागू क्यों नहीं कर पाई है। और साफ साफ उन्होंने बोला है कि बीजेपी का मन नहीं है, सिर्फ वो वोट बटोरने के लिए ये सब करती है। यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है। और वो उन्होंने ये भी बोला है, जो बड़ी खबर ये है, कि अगर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो यहाँ पे वो CAA और NRC नहीं लागू होने देंगे, और जो केंद्र के अगर कोई भी बिल पारित करके इससे जुड़ा हुआ वो भी वो नहीं साइन करेंगे, यानी राष्ट्रपति बनने के बाद वो पास नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि अगर कांग्रेस का हम एक पक्ष देखें CAA को लेकर, तो वो देखिए NTCA है, यानी कि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि जो CAA का कानून है या CAA का बिल है जो वो पास ना हो। तो इसी को लेकर देखिए यशवंत सिन्हा भी इस पे अपनी राय बना चुके हैं। तो देखिए साफ साफ यहाँ पे जो भारत की जो अब एक कहते हैं तो CAA के खिलाफ जो जितने भी लोग थे, जो CAA की NTCA पूरी की लॉबी थी, वो देखिए अब जागरूक हो गई है। इसको लेकर लगातार ट्वीट हो रहे हैं इसको लेकर, और यशवंत सिन्हा की जो दावेदारी है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हुई है जब से ये बयान दिया है। यहाँ पे साफ साफ गुवाहाटी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था। और साथ में अगर बीजेपी की बात करें तो देखिए उद्धव ठाकरे और बीजेपी भी हमलावर हुए थे। उन्होंने ये भी बोला था कि जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने बीजेपी के दबाव में आकर द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने का विषय बनाया, अपना मन बनाया है। तो लेकिन देखिए कि यहाँ पे चौंकाने वाली बात यही है कि जो कांग्रेस, जो बीजेपी, माफ कीजिए, जो बीजेपी है उद्धव ठाकरे की, जिसने सरकार गिराई है, तो उसी को देखिए उद्धव ठाकरे क्यों वोट दे रहे हैं, ये भी बड़े चौंकाने वाली बात है। लेकिन देखिए बड़ी खबर यही है कि यहाँ पे जो यशवंत सिन्हा ने साफ कर दिया है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो देश में CAA का जो बिल है वो लागू नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे अगर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं और केंद्र सरकार जो बिल लाती है इसको पास करवाती है, तो देखिए बिल्कुल CAA का जो बिल है वो रद्द कर दिया जाएगा और यहाँ पे बिल वो पारित नहीं होगा। जी हाँ, आप बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। यशवंत सिन्हा ने जो देखिए जो अब कार्ड खेला है, CAA का कार्ड जो खेल दिया, उसको लेकर काफी विपक्ष का जो एक जुट होने की अब संभावना है कि पूरा का जुट है विपक्ष का गुट है वो अब एक हो जाएगा। तो इसमें आप क्या सोचते हैं कि जो इन्होंने बोला है राष्ट्रपति बनने के बाद जो CAA का बिल वो नहीं लाएंगे, क्या वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ स्टेशन।